हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। दोस्तों, अभियंता मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे टेक्निकल जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल पे सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर 11th 12th मैथमेटिक्स, साथ ही साथ BTSC JEE न्यूज़ का जो भी अपडेट होता है लेटेस्ट, वो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि टेक्निकल जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आपको आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि BTSC JEE रिज़ल्ट का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, रिज़ल्ट कब तक आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी खुशखबरी जो आप लोग के लिए है, वो क्या है कि 1000 न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है ना। 1000 नई वैकेंसी आई है। कितना वैकेंसी? 1000 नई, ठीक है, जो अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के जॉब है। इस वीडियो में बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, देखिए अखबारों की सूचियाँ क्या है, समझिए थोड़ा सा। कर रहा वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 1000, दिखा जी आपको 1000, ठीक है ना। 1000 पदों पर अगले माह तक बहाली, समझ रहे हैं बात को क्या है। वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 1000 पदों पर अगले माह तक बहाली होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या क्या बहालियां होगी, बता रहा हूँ। करा अकाउंट असिस्टेंट के लिए 52 पद है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 है, केमिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेक्नीशियन लैब के लिए जो है 38 है, असिस्टेंट कमिटी डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 76 पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट वाटर टेस्टिंग 76 पोस्ट है, केमिस्ट सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब 122 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब 122 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 160 पोस्ट है, सैंपल टेकर 160, MTS जो स्टाफ होते हैं 160 सीट है, ठीक है। इन सीटों पर बहाली अगले माह तक पूरी कर ली जाएगी, ठीक है ना। इस तरह का न्यूज़ है आपके पास। देखिए कह रहा है क्या है, समझिए, मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। कह रहा है राज्य भर में मुख्यमंत्री नल जल योजना एवं जल आपूर्ति योजना के तहत लोगों को टैब से शुद्ध नल जल पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को जल जनित जो बीमारियां हैं उससे बचाया जा सके। साथ ही साथ योजना की निगरानी करने के लिए कोरोना काल में PhD ने 1000 पद की आउटसेटिंग के माध्यम से बहाली करने का निर्णय लिया है, ताकि गांव-गांव में नियमित शुद्ध पानी का पहुंच सके, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का प्लान है 7 निश्चय के अंतर्गत। साथ ही आयरन फ्लोराइड आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में पानी की जांच की काफ़ी सहूलियत होगा। देखिए दोस्तों, फ्लोराइड के लिए जहां काम हुआ है उसमें 3814 है, आर्सेनिक के लिए जहां हुआ 5085, आयरन के लिए इतना है, इस तरह से दिया गया। कुल वार्ड जो है ना 56079 वार्ड हैं, बहुत ज़्यादा है। परमंडलीय प्रयोगशाला इस तरह से जो है न्यू वैकेंसी है, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। तो
और साथ ही दोस्तों बीटीएससी जेई रिजल्ट का भी बात कर लेते हैं कि बीटीएससी जेई रिजल्ट जब तक क्लियर होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लगभग में समाप्त होने वाला है, बीच में रोक लगा दिया गया फिर उस पर, ठीक है, तो जब क्लियर हो जाएगा तभी न्यू वैकेंसी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है, मैसेज पे मैसेज कॉल कर रहे थे कि सर कब तक जो है न्यू वैकेंसी बीटीएससी जेई जो नए कैंडिडेट हैं पास आउट 20 में हुए हैं 19-20 वो सब 21 में जो हुए हैं, ठीक है, वो सब एकदम बेताब है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।